नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आज योगी कैबिनेट में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद करीब 3 और विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। दरअसल जिन विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है उनमें बांदा जिले की तिंदवारी विधानसभा से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्होर से विधायक भगवती सागर शामिल हैं। चुनाव से ठीक पहले ये इस्तीफे बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। खबर के मुताबिक इन विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी को छोड़ा है, जिसे लेकर अब दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई है। इस बैठक में यूपी के उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है। खबर ये भी है कि चुनाव को देखते हुए करीब 45 से ज़्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि योगी सरकार के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी स्थानीय विधायकों से है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इस बार बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसे विधायक ही इस्तीफा दे रहे हैं जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट ना मिलने का डर है। पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है कि योगी सरकार से लोगों के मन में कोई नाराजगी नहीं है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।